हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? सो आज का जो मेरा वीडियो है वो है मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो अगर आप बिगिनर्स हैं एंड या फिर टीनेजर्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं एंड आप मेकअप किट लेना चाहते हैं विद अफोर्डेबल प्राइसेस, सो आज का जो मेरा वीडियो है वो उन्हीं के लिए है। सो आप ऑनलाइन जाके परचेज कर सकते हैं, इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड सारे के सारे प्रोडक्ट्स नायका या फिर purple.com से लिए हुए हैं मेरे। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें है फाउंडेशन, कंसीलर, मेकअप फिक्सर, प्राइमर है एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले जो है मैं निविया सॉफ्ट लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। ब्लू वाला जो पैक रहता है वो काफ़ी ज़्यादा यू नो ऑयली ऑयली सा कर देता है। सो दिस इज़ लाइट मॉइस्चराइजर एंड ये इतना ऑयली नहीं करता है एंड ना ही इतना ड्राई रखता है एंड ये 310 का है। सो मैं पहले यही अप्लाई करती हूँ बिफोर अप्लाइंग एनी थिंग ऑन माई फेस। सो दिस इज़ गुड फॉर यू नो सेमी ड्राई स्किन टोन। एंड नेक्स्ट इज़ प्राइमर। यस, इनसाइड का प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ विच इज़ 3-in-1 प्राइम्स, प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजेस एंड इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड इट इज़ ऑयल फ्री। यस, इट इज़ ऑयल फ्री एंड 30 ml है एंड इसका जो प्राइस था वो 240 है। इट इज़ अ नाइस प्राइमर एंड इसका जो है टेक्स्चर मैं बता देती हूँ कैसा है। यू कैन सी ट्रांसपेरेंट है एंड काफ़ी यू नो अच्छा है। यू कैन सी हम नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड नेक्स्ट इज़ फाउंडेशन। आफ्टर अप्लाइंग प्राइमर आई यूज़ फाउंडेशन। फाउंडेशन मेरा फिटमी का है, मेबलिन न्यूयॉर्क फिटमी का है। आई एम इन द शेड 115 आइवरी। इसका प्राइस 299 है। सो ये अगेन काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन है। दिस इज़ रियली गुड बट नॉट अ हैवी कवरेज फाउंडेशन। सो अगर आप हैवी कवरेज फाउंडेशन देखें तो दिस इज़ नॉट द फॉर यू बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक देता है। यू कैन सी ब्लेंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होता है बट अगेन दिस गिव्स यू अ नेचुरल लुक। सी मेरे स्किन टाइप के हिसाब से यू नो इट्स जस्ट मिक्स हो गया एंड इट्स नॉट लुकिंग यू नो हैवी कवरेज टाइप। जो है मेरे पास में है मेबलिन, अगेन मेबलिन न्यूयॉर्क फिटमी का ही कंसीलर। आई शेड 01 लाइट। ओके, आई मीन द शेड 01 लाइट। सो अगर आपकी भी मेरे टाइप मेरी स्किन टाइप है तो यू कैन यूज़ लेट मी शो यू। इसका प्राइस जो है वो 475 समथिंग है। मैं अगेन इसका भी स्क्रीन पे दे दूँगी बट यस इट इज़ अ गुड प्राइमर। काफ़ी अच्छे से यू नो यू कैन सी द शेड एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यू नो ब्लेंड हो जाता है एंड अच्छे से ये कवर अप कर देता है। कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। नेक्स्ट इज़ लूज पाउडर। यस, आई यूज़ दिस लैक्मे का लूज पाउडर, रोज पाउडर विद सनस्क्रीन। ये मैं बता देती हूँ, ये ऐसा आता है। ओके, एंड काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इसकी एंड आई मीन द शेड रोज पाउडर 02 वार्म पिंक फॉर वीटिश टू डस्की स्किन। नेक्स्ट है ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल। आगे फ्रंट में ऐसा है एंड बैक साइड में इसकी जो स्टिक है वो ऐसी है ग्रे कलर में। इसमें एक और शेड है ब्राउन, सो यू कैन सी यू नो ग्रे कलर में है। काफ़ी अच्छे से आईब्रोज फिल हो जाती हैं इसमें। सो अगर आप बिगनर्स हैं सो यू कैन ट्राई दिस ब्लू हेवन का एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। नेक्स्ट इज़ दिस काजल पेंसिल। एक्चुअली ये SQ बैड एस काजल पेंसिल है बट थोड़ा सा मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है सो इसका ये है नहीं मेरे पास। काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है सो अगर आप यू नो स्मोकी आइज वगैरह करना चाहें तो ये काजल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नॉट ओनली जस्ट काजल, यू कैन यूज़ इट एज यू नो स्मोकी आइज एंड एवरीथिंग के लिए। एंड ये SQ बैड एस है जो कि आपको purple.com पे मिलता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। आई थिंक कुछ 150 में मैंने लिया था। एंड नेक्स्ट इज़ आई लाइनर। सो आई लाइनर के लिए आई यूज़ दिस अगेन लैक्मे का इंस्टा लाइनर वाटर रेजिस्टेंट आई लाइनर। ये एक्चुअली में वाटर रेजिस्टेंट है एंड इसका मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ। सब ने ही ऑलमोस्ट यूज़ किया रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है बिकॉज यू कैन सी मैट फिनिश देता है ये। सो स्टेज कॉन्टोरिंग, फॉर कॉन्टोरिंग आई यूज़ NY Bay का। यू कैन सी NY Bay, अगर आप
ने, अगर आप purple.com से शॉपिंग करते हो तो आपको पता होगा NYBay purple.com का ही ब्रांड, purple.com पे ब्रांड मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रहता है। सो ये मेरी कॉन्टूरिंग स्टिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिली है। यू कैन सी कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है। एंड इसका जो प्राइस है ये 100 rupees में मुझे मिला था, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड स्टिक भी काफ़ी अच्छी, यू कैन सी द पिगमेंटेशन इसमें है। दिस मेबलिन, अगेन मेबलिन न्यूयॉर्क का है, द हाइपर कर्ल वाटर प्रूफ मस्कारा। सो ये एक्चुअल में वाटर प्रूफ है। द एप्लीकेटर इज लाइक दिस, एप्लीकेटर काफ़ी अच्छा है, अच्छे से कर्ल हो जाता है आपका आई लैशेज एंड काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देता है ये। नेक्स्ट इज ब्लश। सो फॉर ब्लश आई यूज दिस शुगर, नो सॉरी, अगेन फिटमी का ही है ये, मेबलिन न्यूयॉर्क फिटमी का है ब्लश। यू कैन सी लाइट पिंक सा है एंड बट इसका मुझे पास में लिंक नहीं है। एंड नेक्स्ट इज शुगर का हाइलाइटर है ये। यस, मैं मोस्टली तो टैन ब्यूटी के पैलेट से ही यूज़ करती हूँ हाइलाइटर। काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड इसका जो शेड है कॉन्टोर डे फोर्स मिनी हाइलाइटर 04 रॉयल रोज़। मैं स्क्रीन पर डाल दूँगी इसका MRP। नेक्स्ट इज़ मेकअप फिक्सर। सो स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इसका प्राइस भी बहुत कॉस्टली नहीं है। मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विथ विटामिन ई स्विस ब्यूटी, ये आपको purple.com पे मिल जाएगा एंड इसका जो प्राइस है ये 249 का है। तो इसका ऐसा है। सो दैट्स इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।